ब्लूटूथ सारा कुछ इसमें काम करता है। तो इसमें पिन को जो है इसमें कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है AN, और भी बढ़िया सिस्टम दे रखा है जो हमारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो है कुछ खास वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए तो खास ही होगा। तो दोस्तों ये चार्जेबल सिस्टम है, ब्लूटूथ FM, ऑक्स पेन ड्राइव कार्ड रीडर, ऑक्स लीड FM, ब्लूटूथ सारा कुछ इसमें काम करता है। तो इसमें प्रॉब्लम जो अभी लेकर के आया है कस्टमर, उसका कहना है कि इसमें जो है FM चैनल कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम है इसमें, फिर मैं उसका सलूशन करके दिखाऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जिसको करने के बाद में इसमें सभी चैनल पकड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अभी जो हालत में है मैं उस हालत में आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका प्रोसेस है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ऑक्स लीड लगाने के लिए जो है यहाँ पे एक EP सॉकेट दे रखा है। इस EP सॉकेट को आप दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा जो FM का एंटीना का काम करता है वो इसी से करता है। तो मैं अभी पहले इसको ऑन करता हूँ। ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पे ये मोड बटन दे रखा है, इसको हम एक बार जब पुश करेंगे तो रेडियो मोड आ गया FM मोड। और उसके बाद जो है हमारा एक ये वायर मैंने ले लिया, PP पिन को जो है इसमें कनेक्ट कर दूंगा। ऑक्स इनपुट हो गया, अब फिर से इसको जो है एक बार मोड बटन को दबाऊंगा मैं, तो उसके बाद फिर से एक बार पुश करूंगा तो रेडियो मोड हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, जो ये माइनस और ये प्लस है, और ये प्ले और पुश का बटन है, प्ले पुश बटन को जो है थोड़ा पुश करके रख देंगे तो इसमें जो भी FM का चैनल है सब स्कैन हो जाएगा, और फिर 1x1 सभी चैनल इसमें बजना चाहिए। तो मैं पुश कर दिया इसमें, अब इसमें सर्च हो रहा है। पूरे सर्च होने के बाद भी हमारा एक ही चैनल इसमें नहीं पकड़ पा रहा है, इतना बड़ा सा ऑक्स लीड इसमें लगा दिया है। तो आज मैं इसी को रिपेयर करूंगा और दिखाता हूं मैं कि इसमें क्या करना है। एक चैनल पकड़ लिया, वो भी क्लियर नहीं आया, स्कैन हो रहा है। हो गया स्कैन, इसका समाप्त हो गया। अब जो है अभी तक जहां तक ये जब ये स्कैन हो जाता है उसके बाद आप प्लस का बटन दबाते जाएंगे, एक एक चैनल जो है आता रहेगा। एक चैनल आया, दूसरा चैनल आया, मैं दूसरा चैनल नहीं आया इसमें। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत कम चैनल आ रहा है, तो अब हम दिखाते हैं इसको करना क्या है। तो चलिए दोस्तों इसको ऑफ करके और इसको हम पहले खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने खोल लिया है इसको। अब इसमें जो करना है, इसमें मैं आपको थोड़ा लाइट जला के दिखाता हूँ, थोड़ा पास वीडियो करके दिखाता हूं मैं। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ANT, यानी कि एंटीना। ये जो पोजीशन है यहाँ का, इस पे हम क्या करेंगे, एक वायर लेकर के बाहर से सोल्ड कर देंगे, और उस वायर को जो है कहीं इधर उधर से बाहर निकाल देंगे। तो ये लीजिए मैंने एक वायर ले लिया है,
चलिए अब हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। Aux input holder. अब इसको आप अगर निकाल भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो मोड, अब रेडियो मोड पे डाल करके और इस वायर को जो है इधर अब हम एक बार फिर से स्कैन करेंगे, जैसा कि आपको दिखाया था मैंने स्कैन कैसे करना है। आप देख सकते हैं जो ज्यादातर जो इसमें चैनल है सभी आ गया। मैं लेके जो हो एक वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है अंदर से ही। इसमें एक और भी बढ़िया सिस्टम दे रखा है जो हमारा, इसको हम जितने बार खिलाएंगे उतने तरह का इसमें कलर होगा। ये देखिए इसमें ये सिस्टम दे रखा है कि जैसे इसमें हम एक बार ठोकते हैं कि कलर इसका जो है चेंज हो जाता है। ये बहुत बढ़िया सिस्टम दे रखा है, इसमें बंद हो गया और एक बार हाथ लगाएंगे कि फिर जल जाएगा। देखिए एक बार फिर हाथ लगाएंगे फिर जलेगा, एक बार फिर से हाथ लगाएंगे फिर जलेगा, फिर से हाथ लगाएंगे फिर जलेगा। अब देखिए मैंने इसमें जो है, देखिए मेरा सभी चैनल साफ हो गया, जो FM चैनल साफ नहीं बज रहा था। तीसरा चैनल, अब मेरा जो है चौथा चैनल, पांचवा चैनल, छठा, सातवां। देखिए अब कितना क्लियर आवाज आ रहा है FM का। इससे भी बेहतर होगा जब थोड़ा सा और इसको हम जब कैप को लगा देंगे उसके बाद में वायर को थोड़ा ऊपर किसी चीज पे जो है एंगल दे देंगे तो ये होता है। देख सकते हैं आप दोस्तों, वीडियो में जो है कुछ ज्यादा खास तो नहीं था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कुछ लोगों के लिए जो है बहुत जानकारी वाला वीडियो है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।